तो सबसे पहले देख लो यार, यहाँ पर अगर आप 4 घंटे डेली काम कर रहे हो, देख लो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, कहीं सोचो कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, 4 घंटे डेली आप काम कर रहे हो तो देख लो भाई अमाउंट कितना बन रहा है सिर्फ 4 घंटे डेली काम कर कर। अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ा दूँ, क्योंकि अभी $10 है, 4 घंटे $10 की जगह मैं इसको अगर बढ़ा देता हूँ यहाँ पे $12-15 तो आप देख लो मंथली कितना कमा लोगे। इसी के साथ साथ अगर मैं इसको यहाँ पर इसके डेज बढ़ा दूँ, यानी कि अगर आपको 4 घंटे के बजाय अगर आप 6 घंटे 8 घंटे करें तो अमाउंट बढ़ जाता है। तो मतलब कि जितना आप यहाँ पर घंटे काम करने चाहोगे उससे यहाँ पर आपको इनकम होने वाली है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 8 घंटे काम करोगे तो उसका गिना चुना पैसा मिलेगा, और काम भी ऐसा इतना मजेदार काम है कि इस काम को करने के लोग यार परेशान हुए जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बस ये काम मिल जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आप उन्हीं लोगों में से जो ये सोच रहे हो कि यार ये काम मुझे करना है क्योंकि मैं अभी खाली बैठा हूँ, मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, घर बैठे बैठे मुझे काम करना है, मुझे घर से बाहर नहीं जाना है, तो फिर आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि कैसे घर बैठे बैठे सिर्फ एक छोटी सी वेबसाइट, जी छोटी सी बोलूंगा यार, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि इस वाली वेबसाइट से पैसा कमाया जा सकता है। यार पता नहीं आप किस यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रहे हो कि अभी तक आपकी इनकम नहीं हो पाई, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद बल्ले ही बल्ले हैं, पैसा ही पैसा है, क्योंकि यहाँ पर काम करने पे आपको पैसा मिलेगा। अब काम ऐसा नहीं कि इस काम को करने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत है या कोई क्वालिफिकेशन बहुत हायर होनी चाहिए तभी इस काम को कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। इस काम को करने के लिए बस आपको सिंपल से छोटे से लॉजिक यूज करने पड़ेंगे, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको मिडिल में छोड़ दूंगा कि भैया खुद से कर लो, नहीं, पूरा बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे इस वेबसाइट पे आप काम कर पैसा कमा सकते हो। यार आप जानते हो कि आजकल का वो जमाना है जहां पर हर लोग आज के हिसाब से पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप उन्हीं पुराने तरीकों पर चल रहे हो, टाइपिंग, कैप्चा, फॉर्म फिलिंग, डेटा एंट्री या फिर किसी कंपनी में जॉब, तो बहुत पीछे रह गए हो भाई, आपको काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप उन पुरानी टेक्निक के पीछे जाओगे। इसलिए आज के टाइम की जो डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालो ताकि आपको काम मिल सके। इस वाली वेबसाइट से बहुत लोग अर्निंग कर रहे हैं, इसलिए मैं आज खास आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को जब एंड तक देख लो, समझ लो, उसके बाद जब आप यहाँ पे अप्लाई करो तो आपको काम मिल जाए और आप भी घर बैठे बैठे 50 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक महीने का कमा सकते हो। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होगा, कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, देखो मेन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। अगर रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने गलतियाँ कर दी या फॉर्म में कुछ उल्टा सीधा भर दिया तो फिर वहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाना है, फिर काम नहीं मिलना, फिर आपने कमेंट्स करना है कि सर हम तो ट्राई करते हैं लेकिन हमें काम नहीं मिलता। मिलेगा कैसे, वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हो, बहुत चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ कि क्या नहीं करनी है वो भी कर देते हो क्योंकि वीडियो को स्किप करके देखते हो, तो वीडियो को पूरा देखना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो बिना टाइम को वेस्ट के मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके चलूंगा, उससे पहले पता है ना क्या करना है, तो अभी से अभी यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब बिना टाइम को वेस्ट किया चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, समझते हैं पूरा प्रोसीजर, तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो मैं देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आप अर्निंग देख लो कि कितना पैसा आप यहाँ से कमा सकते। अब यहाँ पर जो इनका मिनिमम रेट है वो है $10 per hour और ये मैक्सिमम जाता है $30 per hour तक। बट क्योंकि आप यहाँ पर पहली बार काम कर रहे हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका पे रेट होगा वो होगा $10 के हिसाब से। अब यहाँ पर $10 के हिसाब से अगर आप एक दिन में 4 घंटे काम कर रहे हैं हर दिन, ये ध्यान रखना है कि एक दिन में सिर्फ 4 घंटे आपको डेली काम आप करते हैं, तो आपकी जो अर्निंग होगी वो होगी ₹64,000 per month। अब आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है कि अगर आप यहां से 4 घंटे की बजाय 6 घंटे कर देते हैं तो लगभग लगभग ₹96,000 यानी कि ₹1,00,000 के आसपास आप 6 घंटे डेली काम कर कमा सकते हैं। वहीं अगर आप इसको एज ए पार्ट टाइम में करना चाहते हैं, जहां पे आप 1 से 2 घंटे काम करना चाहते हैं, 2 घंटे भी अगर आप काम करेंगे तो ₹32,000 आप हर महीने कमा सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पे मैंने आपको दिखाया है कि कितना पैसा आप यहां से कमा सकते हैं। आप अगर देखिए वेबसाइट की बात करूं तो यहां पे देखिए वेबसाइट में शुरू में ही लिखा हुआ है कि यहां पे जो आपकी अर्निंग ग्रेड पे है वो स्टार्टिंग होती है ₹500 per hour से। मिनिमम लिखा गया है कि ₹500 per hour तो यहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यहां पे देखिए कितने 50+ यहां पे जो है हायरिंग कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स से। अब यहाँ पे देखिए एक चीज उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन करी है कि इस वेबसाइट पे काम करने के लिए
जरूरी नहीं है कि आपको एआई या फिर एमएल की कोई नॉलेज हो। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आप जानते हो कि आजकल का सारा जो काम हो रहा है वो एआई के थ्रू हो रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर ये वेबसाइट है कौन सी जो इस तरह का काम देकर पैसा दे रही है, क्या ये ट्रस्टेबल वेबसाइट है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वेबसाइट के क्लाइंट कौन कौन है, यानी कि इस वेबसाइट को कौन कौन पार्टनर हैं। अब यहाँ पे देखिए, BITS, IISc, NSUP, SRM, AIIMS, DTU, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े जो कि गवर्नमेंट्स ऑथोराइज्ड हैं, गवर्नमेंट्स की खुद की जो कंपनीज हैं यानी कि ITs हैं, वो यहाँ पर इनके पार्टनर हैं। अब आप सोच के देखो कि इतना बड़ा इनका जो है पार्टनर्स का ग्रुप है, तो इसका मतलब कि कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे काम करेंगे तो यहां से आपको पैसा जरूर मिलेगा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। अब देखिए, यहां पर इन्होंने आपके हर सवाल का जवाब भी दिया है कि कैन यू टेल मी मोर अबाउट द वर्क, अगर आप इस वर्क के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो पूरा देखिए दिया गया है। डू आई नीड हैव ए नॉलेज ऑफ AI ML, जैसे मैंने बताया कि इसको करने के लिए आपको कोई भी जरूरत नहीं है नॉलेज होने की। देखो, यू ओनली नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन यूर कोर डोमेन सो दैट यू कैन ट्रेन द AI मॉडल ऑन दैट डोमेन। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे AI को ट्रेन किया जाता है। यानी कि देखिए, जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं तो AI पे सर्च करते हैं तो AI के जो अंदर जो भी होता है वो उसको हमें बताता है। तो AI को बताने के लिए हमें वहां पर AI को ट्रेन करना होता है कि अगर कोई ये पूछेगा तो उसका आंसर ये होगा। अब जैसे कोई पूछता है कि इंडिया के अंदर, अभी की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बारिश किस मौसम में होती है, अगर किसी ने ये AI के अंदर फीड नहीं किया होगा तो AI कैसे बताएगा? तो इसलिए AI को ये बताना होता है, यानी कि इसको ट्रेन करना होता है। वही काम आप यहाँ पे करने वाले हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्क एंड हाउ डू आई गेट पेड, कैसे आप, क्या आपको काम मिलेगा, कैसे यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा? पैसा जो यहाँ पे आपको मिलता है, देखो लिखा हुआ है आवरली बेसिस पे मिलता है, लेकिन जो आपको पेमेंट मिलेगी यहाँ पे वो वीकली मिलेगी, यानी कि हर हफ्ते आप यहाँ से अपना पैसा जो है ले सकते हैं। किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, तो देखिए बहुत सारे टाइप के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। अब हम सबसे ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि बेनिफिट्स क्या क्या इनके साथ अगर आप काम करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है, आपकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स आपको मिलते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि कंपनी आपसे कहेगी कि आप 2 घंटे 4 घंटे डेली काम करो। नहीं, जब आपका मन करे, जितनी देर आपका मन करे, जिस टाइम आपका मन करे, आप उस टाइम यहाँ पे काम कर सकते हो घर पे बैठे बैठे। इसके लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट्स होता है 1000 पर आवर, और ये जो कि मैंने मिनिमम बताया था वो 500 था, लेकिन यहाँ पे 1000 रुपये भी आपको पर आवर के हिसाब से मिल सकते हैं, जो कि आपको वीकली पेड होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ योर कोर डोमेन नॉलेज, यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको यहाँ पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिल रही है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको काम करना है। अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे कितने लोग इनके साथ देखिए अभी तक जुड़ रहे हैं, देख रहे हो आप, ये टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है गाइस। तो आपको भी इनके साथ यहाँ पे ज्वाइन होना ही है। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ये कहेगा कि आपको यहाँ पर ज्वाइन गूगल के थ्रू करना है या फिर आप यहाँ पे फॉर्म भरकर करना चाहते हैं। अगर आप गूगल से करेंगे तो यहाँ पे आपका जीमेल अकाउंट से आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप गूगल के थ्रू नहीं करना चाहते तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बताना होगा कि गूगल के थ्रू आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं एक बार यहाँ पे ज्वाइन करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा देखिए ज्वाइन हो चुका है। ज्वाइन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मेरा यहाँ पर देखिए आपको नाम दिख रहा है, वेलकम मनु। एप्लीकेशन स्टेटस दिख रही है कि यहाँ पर अभी हमारा जो है एप्लीकेशन पेंडिंग में है। साइन अप विद गूगल हो चुका है, वैलिडेट रिज्यूम डिटेल्स हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको अपना रिज्यूम भी अपलोड करना होता है। अब क्योंकि मेरा यहाँ पर अकाउंट बना हुआ था तो आपको नहीं दिखाई दिया, तो मैं एक बार लॉगआउट करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको अपना रिज्यूम भी बनाना होता है। मैं यहाँ पर लॉगआउट कर लेता हूँ और आपको दोबारा से दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे जाना है, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है, अपना एक अकाउंट यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए अब इस तरह का इंटरफेस आ गया, आपका ईमेल एड्रेस आएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है, आपने कहाँ तक पढ़ा है वो यहाँ पे आपको डालना है।
कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। अगर आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी शो नहीं कर रही है तो सबसे नीचे आपको आ जाना है, अदर पे क्लिक करना है और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। उसके बाद पूछा है मेजर, यानी कि आपने किस साइड से किया है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं मिलता तो अदर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लिंक्डइन यूआरएल अगर आपका कोई है तो डाल दो, नहीं तो छोड़ देना है। अब जो सबसे मेन है वो है रिज्यूम। अब यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है। अब बहुत लोगों के पास रिज्यूम नहीं होगा तो टेंशन की चीज़ नहीं है। आप गूगल पे जाएं और वहां पे सर्च करें कैनवा। कैनवा में आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, वहां से आपको रिज्यूम बना लेना है। मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूं तो यहां पे मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। उसके बाद यहां पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है, वेरीफाई क्लिक पे क्लिक करना है। तो आपका व्हाट्सएप नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आप उसको डालेंगे और आपका यहां पे व्हाट्सएप नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आपको क्लिक करना है एक्सपेक्ट और आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये पूरा फॉर्म भर देंगे और क्लिक कर देंगे इसमें, तो आपका यहाँ पे जो अकाउंट है वो बन जाएगा और आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाया था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। अब मैं गो टू डैशबोर्ड पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं अपना अकाउंट पे लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ।
तो उसके बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। अब यहां पे जो आपका सबसे मेन है वो है यहां पे इंग्लिश का आपका एक टेस्ट जो कि आपको देना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो टेक टेस्ट पे आप जाएंगे और यहां पे एक आपका एक इंग्लिश का टेस्ट होगा जो कि आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यहां पे फिर आपका एक वेरीफाई योर पैन आएगा, इसको आपको जो पैन कार्ड है वो आपको वेरीफाई कर लेना होगा। तो यहां पे आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहां पे प्रोजेक्ट्स है जिन पे कि आपको काम करना होगा, यानी कि इसके हिसाब से यहां पे आपको एआई को ट्रेन करना होगा। दैट्स इट। अगर आप यहां पे ट्यूटोरियल चाहते हैं कि कैसे काम करना तो यहां पे ये पूरी बारे इसके बारे में बताया गया है कैसे आपको यहां पे अप्लाई करना है, कैसे यहां पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं टेस्ट की, वेरीफाई एजुकेशन एंड इम्यूनिटी कैसे कर सकते हैं, एक्सप्रेस इंप्रेशन प्रोजेक्ट गेट शॉर्टलिस्टेड। टेक यहां पे अगर आपको क्वेश्चंस के टेस्ट करने हैं कैसे वहां पे करना है तो यहां पे आप देखेंगे कि क्वेश्चंस के बारे में सब कुछ बताया गया। ये रहा तो इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है, उसके बारे में क्या क्या आपको बताएंगे सारी चीज यहां पे दी गई हैं और पूरी डिटेल्स में बताया गया कैसे आपको क्या देखिए स्टेप सारे स्टेप यहां पे आपको दिखाए गए हैं। उसके बाद यहां पे एक असेसमेंट होगा इंग्लिश का, ये रहा एसक्यूएल है एनएल है, तो सारी चीज यहां पे आपको दिख जाएंगी। ये सारा काम आपका तभी होगा जब आपका यहां पे ये पूरा जो है चार जो स्टेप्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी से अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर अप्लाई करो, कहीं कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ताकि मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूं। थैंक यू गाइस। तो कैसे भी आपने देखा यहां पे मैंने कोशिश करी कि मैं आपको सारी चीजें बहुत डिटेल्स में बताऊं और मैंने बताई भी यार। अगर वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, अगर वीडियो को स्किप किया तो दोबारा से देख लेना, वीडियो तो आपके पास ही कहां भागी जा रही है। तो अभी से अभी वीडियो को ध्यान से देखो, आपके मन में कोई भी सवाल हो कोई डाउट हो तो यार मैं तो बैठा हूँ आपकी हेल्प के लिए। कमेंट करो, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन अप्लाई जरूर करना। मिलता है हमें नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।